Hi guys, good morning, another day, another video. उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था. सुबह तो कोई काम नहीं किया था, उसके बाद किया था जो भी काम किया था. और पोहा हो या कुछ भी हो, हमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो हम लोग स्पाइसी ही बनाते हैं. शक्ल देख सकते हो आप पोहे की. कल नया दो याद को नहीं आफत तो चढ़ गया, बड़ी डूबती नींद आ रही है. लेट सोई रात में इशू. नहाएंगे अभी, उसके बाद और करेंगे, पर पहले एक निपटा दूँ, फिर इसमें कॉटन वाली जो पट्टी है फिट करके, उसके बाद और कुछ सिलना है वो सिलूँगी, फिर इशू की फ्रॉक सिलूँगी. इन दिनों नहीं, मतलब अभी आने वाले दिनों में इसकी फ्रॉक वगैरह ये सब सिलूंगी. ना ही नहीं, जो खान निकल गई थी मेरी. इशू को नहला दिया था मम्मी ने जल्दी, यहाँ पे इसकी आदत हो गई, जल्दी नहला देते हैं इसको. मालिश वालिश भी हो जाती है दिन में दो तीन बार, क्योंकि मुझे दो तीन दिन से जो काम लग रही वो इसको भी हल्की फुल्की हो गई रात को. इसको इतना उढ़ाया मैंने रात को, बंदी ने उढ़ाई नहीं चादर. नहाना है मुझे, पर पहले भूख लग रही है. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसके बाद फिर से सिलाई पर बैठना है यार. क्योंकि मेरे फ़ोन का जो स्पीकर है, मतलब लाउड स्पीकर जो ऑन करती हूँ तो आवाज़ आती है, अदरवाइज़ किसी कॉल की आवाज़ नहीं आती. बस ठीक कराने को भी देना है, काफ़ी दिन हो गए, महीना भर हो गया. यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था ठीक कराऊंगी, निकलना नहीं हुआ. और अगर कल मैं ठीक कराती टाइम लग जाता है, एक डेढ़ घंटा लगेगा, तो फ़ोन को वैसे ही देना पड़ेगा. ये इशू सारे दिन गिनती करती रहती है, या फिर ऐसे जैसे पैसे गिनते ना वैसे करती रहती है, हाथों की तरफ देख देख के. काफ़ी दिन से रील नहीं बनाई, सो रील बनाने के लिए मैं हो गई रेडी. और ये जो नेक पीस था ये मेरे कोलैब में आया था, एंड ये जो इयररिंग है ये मेरे गोल्ड वाले इयररिंग है. खींचने के नाम पे छकल भी गाड़ ली, फिर भी काली भाई काली आ रही है तू. आगे छो काजल. फाइनली अब मेरे कपड़े मुझे मेरे फिट आने लग गए पहले के जैसे, पहले से बेटर. पिको पिको से अब सिलाई पिको हो गया, सारी चार पाँच उठने की हो गई. अभी बस वो जो भी है सिलाई करनी है. शुक्रिया लोहे वाली, ये वाले बॉबिन है ना फंस जाती है इसमें, प्लास्टिक वाली. लोहे वाली ठीक रहती है क्योंकि प्लास्टिक वाली एकदम टाइट हो जाती है. अगर यार तीन दिन हो गए जुकाम में उलझी पड़ी हूँ, इतनी दवाई ले ली सुबह शाम दोनों टाइम लेके भी ऐसा हाल है, ऐसा लग रहा है नाक है ना नाक काट दूँ इतनी इतनी. और मैं इशू को फीड कराती हूँ ना इस चक्कर में, फीड मैंने सोचा था दो तीन दिन नहीं कराऊँगी, पर फिर बार बार वो ये बोतल में दूध गर्म कर करके रात को कौन लाए, इसलिए फीड तो कराना था ही. तो मैडम को और जुकाम लग गया, सुबह से जाम हो गया. आज ना दोपहर को इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी, पापा बोल मेरे से संभल ही नहीं रही है, कैसे संभालूँ इसको, क्योंकि यार कुछ तो जुकाम की वजह से हो रही थी. वरना यहाँ है ना, जब से ये जयपुर आई है ना, सिर्फ एक दिन रोई थी, क्योंकि अनजान तो जगह थी इसके लिए. और उस टाइम इसका थोड़ा सा डायपर भी फुल हो गया था, भूखी भी थी, उस दिन बस रोई थी, उसके अलावा वैसे इतनी नहीं रोई. मतलब रोती है दिन में एक या दो बार, पहले पूरे दिन रोती रहती थी. अभी इतना नहीं रोते हम, क्योंकि यहाँ पर अच्छा बातें करते हैं, हमसे हच हच के खिलाते हैं हमें, है ना. रोते ही ले लेते गोदी, इसको चाहिए कोई सारे दिन इससे बात करे. भाई रात को अगर ये जग रही है ना तो सब पकड़ पकड़ के खींचेगी, बात करो मुझसे. यार मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने हाथों को ऐसे ऐसे नहीं रखती रहती है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या. पैसे गिनते हो आप? पैसे गिनते ये इस हाथ को ना ऐसे रखेगी, फिर उसकी तरफ देखती रहेगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी, पता नहीं कौन सी गिनती करती है. मुझे तो गिनती करने की आदत है ही, दिन में 10 बार खर्चों की और जो जुड़ रहा है उसकी. आपको भी हो गई, आपको भी आदत हो गई ऐसी, अच्छी आदत हो गई आपको. जुकाम इसको लग रही है, मुझे लग रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, मैं ही हो जाती हूँ, ये तो होनी है.
नाक को ना नाक को बंद कर दू क्या? इसकी पैर बस पैर पैर चला लो, पैरों से मारती रहती है मुझे, जब देखो पैरों से मारती रहती है मुझे। रील शूट करेंगे एक दिन, ठीक है? अगर उस दिन रोई ना तो देख लेना, अच्छी अच्छी रील बनाएंगे, ठीक है माँ बेटी? लहसुन छिल रही हूँ, सबसे बोरिंग काम, और इधर इसको अच्छी आ रही है, ऐसा सोच रही है भाई मुझसे बातें ही करती रहती है मम्मा, मुझसे बातें ही करती रहती है। आपकी लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आती शु। हम रील बनाएंगे, आज वाली रील अच्छी बनी थी, मेरे दिमाग में नहीं आया, वरना मैं आपकी छत और रील बनाती, बहुत सारी रील बनाती। हाँ ये इसको रात को देख लो, दिन को देख लो, बातें करा लो, बातें करा लो, इतनी बातें कौन करेगा बेटा आपसे? दोपहर को पापा सोचे थे सोऊंगा, पापा सो गए, ठीक है, और पापा ने बोला इसको इधर सुला दे, खेलती रहेगी, तू तेरा कल्ले सिलाई का जो करना है। मैं लग गई, ठीक है, उनकी तरफ देखे जाए, देखे जाए, उनमें घुसे जाए, खींचे जाए, ठीक है। वो उठे नहीं, वो सो रहे थे, फिर ये चिल्लाने लगी, फिर गोदी में ले लिए, इधर कंधे पे सुला लिए, इसको उल्टा लिटा लिए, फिर बंदी बिल्कुल चुप नहीं हुई, मैंने इसको फीड भी कराया था, फिर बोले इसको तू ही ले जा, तू ही रख इसको, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर पापा बोले ठीक है कैंसिल कर देता हूँ, छो ना, छो नहीं देती ये तो। उनको नींद आ रही थी वैसे भी, पर ये महारानी सोने कहाँ दी उनको। आहा, क्यूट टू लव यू। बस ये चिन्नी सी थोड़ी हाथ में लेने जैसी हो जाए, क्योंकि ये तो ऐसी है पतली सी अभी, फिर भी ठीक है थोड़ी बहुत, और बाकी हाथ में लेने जैसी हो जाए फिर जो बनाऊंगी मैं रील, और दबा दब आगे तो मेरे से रील बनी नहीं रही, और इसको लेके और बनाऊंगी। दोपहर में मैं तैयार होगी, ठीक है, फ़ोटो खिंचा रही, इतना रोने लग गई मैडम, बड़ी हंसी आती है तुझे मेरी रील खराब करके ना। आज मामू साहब बनाएंगे दाल, छोटे उतारो, ये बिल्कुल साफ है, ये तेरे को आटा बताया, आटे को थाली देने की जरूरत नहीं बेटा, क्यों देखो कुछ करता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ रखो। हम दाल बना रही ना, अब इसके अंदर क्या है ऐसे समझ लो, और चम्मच में ऐसे डाल के तेल डाल दो, तेल डाल दो, फिर तड़का लगा दो, नहीं पहले इसको गर्म करेंगे, फिर ढक्कन को बंद करके ऐसे कपड़े से साफ कर इसको यहाँ रख दो, जो नमक का डब्बा है इसको वापस उसी जगह रख दो। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, और बीच बीच में क्या है कि साफ सफाई करते रहो। हाँ तो गैस का चूल्हा होता है ना, उसमें कपड़ा मारते रहा ताकि वो गंदा ना हो। ध्यान से देखो, एक लाल ढक्कन का जग है उस तरफ, हाँ जग, हाँ जग, और आगे जीरा, अरे मुझे बताओ इसमें एक चम्मच दो चम्मच चार चम्मच चम्मच के इसको भरी दो डालना नहीं डालना पड़ेगा बस इतना, ठीक है, इसको और टमाटर नहीं काटे नहीं नहीं पहले अभी तेल साइड गर्म हो गया होगा, हाँ तेल आ गया, आ गया तो वापिस इसका ढक्कन ला रहा है, इसको ऐसे लाओ कपड़ा मारो। Good night.